बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने शुरू किया था एंडोक्राइन सिस्टम की एनाटॉमी, जिसके अंदर दो ग्लैंड हम देख चुके हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। आज देखते हैं थायराइड ग्लैंड। एंडोक्राइन सिस्टम एनाटॉमी की सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट एंडोक्राइन सिस्टम एनाटॉमी के अंदर मिलेंगी। थायराइड ग्लैंड देखते हैं, थायराइड ग्लैंड क्या चीज़ है। याद रखिएगा, थायराइड ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट लोब कनेक्टेड बाय अ नैरो एस्थमस। ये थायराइड ग्लैंड की सारी डायग्राम्स हैं। ये उसका एंटीरियर व्यू है, ये उसका पोस्टीरियर व्यू है, और ये भी उसका एंटीरियर व्यू है। ये नीचे ट्रेकियल रिंग्स हैं, जो ट्रेकिया बनी हुई है। ठीक हो गया। ये हमारे पास उसका राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड है। ये मिड के अंदर सारे का सारा एस्थमस है। थायराइड ग्लैंड के अंदर मैंने स्टार्ट में आपको क्या बताया, कंसिस्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट लोब कनेक्टेड बाय नैरो एस्थमस। यहां तक बात क्लिक हो गई। अब याद रखिएगा कि थायराइड ग्लैंड इज अ वैस्कुलर ऑर्गन। ये एक वैस्कुलर ऑर्गन है। इट इज सराउंडेड बाय अ शीथ, एक बेहतरीन किस्म की शीथ से ये सराउंड होता है। उस शीथ का नाम है, याद रखना, प्री ट्रेकियल लेयर ऑफ डीप फेशिया। ट्रेकिया से याद रख लें, प्री ट्रेकियल लेयर ऑफ डीप फेशिया। और यही जो शीथ है, यही जो वेस्कुलर ऑर्गन को जो शीथ ने सराउंड किया, यही शीथ इस थायराइड ग्लैंड को कनेक्ट करवाती है विद लैरिंग्स एंड ट्रेकिया। ठीक है, मैंने क्या बताया कि थायराइड ग्लैंड इज अ वास्कुलर ऑर्गन सराउंडेड बाय शीथ। ठीक है, सराउंडेड बाय शीथ। और इस शीथ का क्या नाम है, प्री ट्रेकियल लेयर ऑफ डीप फेशिया। ठीक है, और ये फेशिया किस चीज में हेल्प करती है, यही फेशिया हेल्प करती है कनेक्ट थायराइड ग्लैंड विद ट्रेकिया एंड लेयरिंग्स। ठीक है, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग बात कर ली थायराइड ग्लैंड के हवाले से। अब याद रखिएगा, थायराइड ग्लैंड के अंदर जैसे मैंने बताया, लोब्स पाए जाते हैं और एस्थमस पाए जाते हैं। अभी हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखनी रहती हैं इसके अंदर, लोब्स का देखते हैं, लोब्स के रिलेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, वो हम लोगों ने देखना है। फिर इसके बाद इसी थायराइड ग्लैंड की ब्लड सप्लाई, फिर इसी की लिम्फेटिक ड्रेनेज हमने देखनी है, नर्व सप्लाई, और आखिर में इसी थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस को हम लोगों ने देखना है। जल्दी से आए लोब्स पे। जैसे मैंने आपको बताया, थायराइड ग्लैंड के दो लोब्स पाए जाते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। और हर एक लोब, ईच लोब इज पियर शेप्ड। ठीक है, पियर शेप की तरह हर एक दोनों लोब पाए जाते हैं। हर एक लोब की एपिक्स और बेस है। जो थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब्स हैं, इसके जो एपिक्स है, ये ऊपर तक अपवर्ड जाते हैं एज फॉर एज ओब्लीक लाइन ऑफ थायराइड कार्टिलेज। ये थायराइड लोब है ऊपर वाले, ये इसका एपिक्स है, तो ये वाली जो लाइन है, ये ओब्लीक लाइन ऑफ थायराइड कार्टिलेज है। तो इसका एपिक्स ऊपर अपवर्ड जाता है एज फॉर एज ओब्लीक लाइन ऑफ थायराइड कार्टिलेज। जो इसकी बेस है, ये पाई जाएगी बिलो एट द लेवल ऑफ फोर्थ और फिफ्थ ट्रेकियल रिंग। ठीक है, इसकी बेस कहां पाई जाएगी, बिलो एट लेवल ऑफ फोर्थ और फिफ्थ ट्रेकियल रिंग। यहां तक बात क्लिक हो गई। अब आ जाए इसी लोब्स के रिलेशंस को हम लोगों ने देखना है कि इसके रिलेशंस में एंटीरियो लेटरली क्या चीज पाई जाती है, पोस्टीरियो लेटरल क्या चीज पाई जाती है। अब देखें, एंटीरियो लेटरल का क्या मतलब हुआ, ये थायराइड ग्लैंड का एंटीरियर व्यू है, तो एंटीरियरली और लेटरली जो चीज पाई जाएगी उसको हम एंटीरियो लेटरली कहेंगे। बात क्लिक हो गई। तो याद रखिएगा, एंटीरियो लेटरली चार मेन स्ट्रक्चर्स इसके अंदर पाई जाती हैं। अब थायराइड ग्लैंड है, इसकी इमेज जहन में रखें, लोब्स है, तो इसकी एंटीरियो लेटरली क्या पाई जाएंगी, वही जो नेक के मसल्स में हम लोगों ने वो इंपॉर्टेंट मसल्स देखे थे, वही इसके एंटीरियो लेटरली पाई जाएंगी। और इसी के नाम से आप लोग उसको याद कर लेंगे। सबसे पहले थायराइड है, तो स्टर्नो थायराइड मसल, यहाँ हाइड बोन भी होती है, तो स्टर्नो
हायोइड मसल, ये दो मसल तो क्लिक हो गए। अच्छा अब इसी तरह एंटीरियर बॉर्डर ऑफ, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। अब इसी स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल के साथ ओमोहायाइड था, और मैंने आपको वहां बताया था जहां भी ओमोहायाइड आ जाए या तो उसकी सुपीरियर वैली होगी इंफीरियर वैली, तो इसको एंटीरो लैटरली है तो सुपीरियर वैली ऑफ ओमोहायाइड, ठीक है, सुपीरियर वैली ऑफ ओमो हायोइड मसल। अभी हम लोग देखते हैं पोस्टीरो लैटरली, अब इसका ये पोस्टीरियर व्यू है, तो पोस्टीरो लैटरली याद रखना कैरोटिड शीथ पाई जाती है। क्या चीज पाई जाती है जी? कैरोटिड शीथ। अब यही कैरोटिड शीथ के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं ये तो आप लोगों को पता है कि कैरोटिड शीथ के अंदर कॉमन कैरोटिड आर्टरी प्लस इंटरनल जगुलर वीन प्लस वेगस नर्व, ठीक है, तो ये तीनों चीजें मिलके क्या बना देती हैं? कैरोटिड शीथ। और यही कैरोटिड शीथ पोस्टीरो लैटरली पाई जाती है लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। अभी आ जाएं जल्दी से ऊपर, अभी हम लोग देखते हैं इसी थायराइड ग्लैंड के लोब्स के मीडियल पे, मीडियल पे कौन सी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। तो मीडियल पे वही इमेज जहन में लेके आए, चीजें इजी हो जाएंगी। क्या चीज पाई जाएगी? लैरिंग्स, फैरिंग्स, ट्रेकिया प्लस इजोफेगस। इजोफेगस दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने लगा हूं, याद रखना है। यहां पाई जाती है इसकी मीडियली एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व, एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व, ठीक है, और रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। अब इस रिकरेंट लैरेंजियल नर्व के बारे में यह चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि यह पाई जाती है इन ग्रूव बिटवीन ट्रेकिया एंड इजोफेगस, ठीक है, ट्रेकिया एंड इजोफेगस, ठीक है। अब देखें जैसे ट्रेकिया आगे होता है, इजोफेगस पीछे होता है, तो ट्रेकिया और इजोफेगस के दरमियान जो मिड में ग्रूव होता है इन दोनों के बिटवीन, उसके अंदर रिकरेंट लैरेंजियल नर्व पाई जाएगी। ये इसके मीडियल रिलेशंस हैं। अब हम लोग देखते हैं बिल्कुल इसके पोस्टीरियर पे क्या पाया जाए, थायराइड ग्लैंड के लोब्स के पोस्टीरियर पे। ये पोस्टीरियर व्यू मैंने जैसे बताया आपको, इस इधर देखें ये चार पाए जाते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, सुपीरियर पैराथायराइड और इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड। तो इसके पोस्टीरियर पे क्या पाया जाएगा? सुपीरियर एंड इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड्स, ठीक है। इसके अलावा यहां पर एनास्टोमोसिस पाई जाती है, बिटवीन एनास्टोमोसिस पाई जाती है, एनास्टोमोसिस बिटवीन सुपीरियर एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरीज, ठीक हो गया, यहां पीछे इसकी एनास्टोमोसिस पाई जाती है। अच्छा जी, अब लोब्स हम लोग कर चुके हैं, लोब्स के रिलेशंस भी देख लिए, लोब्स क्या होते हैं देख लिए, अब हम लोग आते हैं एस्थमस को देखते हैं कि एस्थमस क्या चीज है हमारे पास। तो याद रखिएगा एस्थमस इसके एक्सटेंशन होगी, ये एक्सटेंड्स करेगा ओवर द मिड लाइन ऑफ सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग, ठीक है। एस्थमस क्या है? इट एक्सटेंड्स अक्रॉस द मिड लाइन ऑफ सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग, ठीक है, ट्रेकियल रिंग है सेकंड थर्ड और फोर्थ, इसको ऊपर इसकी एक्सटेंशन आ रही है, ठीक है, ये तो इसको हम लोग कहते हैं एस्थमस। अब ये जो मैं पॉइंट बताने लगा वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे एक दफा मॉड्यूलर एग्जाम के अंदर हमारे प्रोफेसर मिराजुल्ला साहब ने यही सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन पॉइंट दिया था कि आप हमें वो वाला ग्लैंड बताएं जिसके अंदर एक लोब ऑफन कभी कभार पाया जाता है, वो लोब है पैरामिडल लोब, और यही पैरामिडल लोब इसी एस्थमस से निकलता है और मेनली लेफ्ट साइड पे जाता है। तो जो मेन पॉइंट मैं यहां बताने लगा वो है
पैरा मिडल लोब ऑफन प्रेजेंट, ठीक है, ऑफन प्रेजेंट कभी कभार इसमें पाया जाता है, ठीक है. एंड इट एक्सटेंड्स अपवर्ड टू लेफ्ट ऑफ मिड लाइन. ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूं, थोड़ा सा जूम कर दें इसको, कि इस एस्थमस से एक लोब है जो पैरामिडल लोब है. यही पैरामिडल लोब थायराइड ग्लैंड के अंदर कभी कभार पाया जाता है और ये इसी एस्थमस से ऊपर की तरफ एक्सटेंड्स करता है और जाता है टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ मिड लाइन. इसी मिड लाइन से लेफ्ट की तरफ जाता है पैरामिडल लोब. अब याद रखिएगा, इसी पैरामिडल लोब को एक मस्क्यूलर या फाइबरस बैंड पाया जाता है जो कनेक्ट करवाता है इसी पैरामिडल लोब को टू हायाइड बोन. उसी को हम लोग कहते हैं लिवेटर ग्लैंडुला थायरॉइडिया. नहीं, बात मेरी क्लिक की. लिवेटर ग्लैंडुला थायरॉइडिया क्या चीज है? ये मस्क्यूलर और फाइबरस बैंड है विच कनेक्ट पैरामिडल लोब टू हायाइड बोन. ये बात आप लोगों ने एस्थमस के इंट्रोडक्शन में याद रखनी है. अभी हम लोग जाते हैं जी एस्थमस के रिलेशन पे. ये एस्थमस है, इसके भी तीन रिलेशन है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और इसके सुपीरियर. क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं? इसका एंटीरियर बहुत आसान है, वही जो लोब्स के एंटीरो लेटरल पे, उसकी दो चीजें इसके एंटीरियर पे पाई जाएंगी. क्या क्या चीजें? स्टर्नोथायरॉइड प्लस स्टर्नो हायोइड, ये दो चीजें हो गई. अब इसके इंटीरियर पे स्किन और फेशिया तो होगा, ठीक है. स्किन फेशिया, जो एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है वो है एंटीरियर जगुलर वीन. ये एस्थमस के एंटीरियर पे पाया जाता है. अभी इसके पोस्टीरियर पे क्या पाया जाएगा? इसके पोस्टीरियर पे ये चीजें पाई जाएंगी ना, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग्स पाई जाएगी. अब इसके सुपीरियर पे क्या पाया जाएगा? याद रखना, इसके सुपीरियर पे पाया जाता है टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरीज. तो ये रिलेशन हम लोगों ने एस्थमस के देख लिया. अभी आते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ थायराइड ग्लैंड. बहुत ही आसान है, ये तीन आर्टरीज तो इंसान को याद हो जाती हैं, लेकिन ये ब्रांचेस किस चीज की है वो हम लोगों को नहीं याद होती है. उसके लिए जो निमोनिक मैंने लिखा वो है सी आई टी तब देखेंगे. ये निमोनिक याद कर लिया ना, बेहतरीन किस्म की. जो भी आप लोगों से पूछा कि थायराइड ग्लैंड की आर्टीरियल सप्लाई के, आप उसकी ब्रांचेस बता सकते हैं. अब सुपीरियर थायराइड आर्टरी तो हर बंदे को याद हो जाती है, लेकिन ये किसकी ब्रांच है? तो इस ई से आप लोगों ने याद रख लेना है, ये ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. अब दूसरी आर्टरी जो थायराइड ग्लैंड को सप्लाई करती है वो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी ब्रांच किसकी है? इस टी से याद रखें, थायरो सर्वाइकल ट्रंक. अब तीसरी आर्टरी थायरॉइडिया ईमा, ये ब्रांच है ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी या ट्रंक, ठीक है. अगर आप लोगों ने डिमांड की, मैं आप लोगों के एब्डोमिनल एओर्टा करवा दूंगा, पूरा रोड मैप बता दूंगा. और इसी तरह ऊपर जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल हेड एंड नेक की आर्टरीज, ये सारा मैं एक रोड मैप बना के आप लोगों को बता दूंगा. उससे आप लोग किसी जगह भी नहीं फंसेंगे. कोई आपसे पूछे कि सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी क्या, ये सारी चीजें किसकी ब्रांच है, किसकी ब्रांचेस नहीं, वो मैं आसानी से आप लोगों को करवा दूंगा. लिम्फ ड्रेनेज जल्दी से देखते हैं. याद रखना, थायराइड ग्लैंड का जो मेनली लिम्फ है वो ड्रेन होता है टू डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, लेकिन फ्यू लिम्फ वेजल्स ड्रेन इन टू द पैराट्रेकियल लिम्फ नोड्स, ठीक है, पैराट्रेकियल लिम्फ नोड्स. अभी जल्दी से आ जाए, नर्व सप्लाई ऑफ थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा इजी है. सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर, क्या चीज? सर्वाइकल गैंग्लियन. अभी फंक्शंस देखते हैं थायराइड ग्लैंड के. फंक्शंस भी बहुत ज्यादा इजी हैं.
क्या सिक्रीट करते हैं? थायराइड हार्मोन्स, कौन से? T3 और T4। इसके अलावा इंक्रीज द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, थायराइड ग्लैंड इंक्रीज द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी अब याद रखिएगा, इसके अंदर होते हैं पैरा फॉलिक्यूलर सेल जो सिक्रीट करते हैं थायरो कैल्सिटोनिन। उसका मेन काम क्या है? लोअर्स द ब्लड कैल्शियम लेवल, लोअर्स द ब्लड कैल्शियम लेवल। बात क्लिक होगी। तो ये सारे का सारा जी हम लोगों ने थायराइड ग्लैंड को देख लिया और थायराइड ग्लैंड की सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली हैं एनाटॉमी के हवाले से। इसके बाद हम लोग देखते हैं पैरा थायराइड ग्लैंड को। अपना ख्याल